मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनको सांसद बनाने में और इनको जो मंत्री बनाया गया उसे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जाता है इनका श्रेय। हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि हम जैसे रांची जिला के कार्यकर्ताओं को उत्साह वृद्धि करने में, हमें गौरवशाली महसूस करने में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि चुनाव आयोग 6 महीने से पहले कभी भी चुनाव करवा सकता है, जिसे लेकर उनको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। वहीं विपक्ष के नेता अमर बावरी ने कहा है कि हेमंत सरकार ने 5 वर्षों में जनता से किया गया वादा पूरा नहीं होने के कारण ही जेएमएम और कांग्रेस चुनाव से डर रहे हैं। बीजेपी के कांके विधानसभा के विजय सह अभिनंदन समारोह में कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। जमानत जब्त करने के लिए इतना ही काफी है। मैं जमानत जब्त करने की बात कर रहा हूं, जमानत जब्त करने के लिए इतना ही काफी है। और आज इस मौके पर, क्योंकि आज सिल्ली विधानसभा का भी के अनुसार श्री सलेन्द्र जी से आग्रह करता हूं कि आप अपने बूथ अध्यक्षों के साथ मंच पर आए और बूथ अध्यक्षों को लेकर मंच पर आए और बूथ अध्यक्षों का हम सब सुनने आए हैं। हम सबके बहुत ही प्रिय अभिभावक नेता प्रतिपक्ष यशस्वी नेता प्रतिपक्ष जिनके प्रत्येक दिन आप सब जन मुद्दों पर आधारित इनके बयान को आप सब देखते होंगे, कितने संवेदनशील रहते हैं। एक एक छोटे छोटे नागरिकों के प्रति, गरीब के प्रति, दलित के प्रति, शोषित के प्रति, हम सब जब इनके बयान को अखबार के माध्यम से, टीवी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं तो लाखों लोग इनको अपनी सरकार बनाएंगे। कोई विधानसभा चुनाव, यही कार्यकर्ता, इन्हीं के कार्यकर्ताओं के बल पर हम चुनाव जीतेंगे। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से झारखंड में सरकार बनेगी। कार्यकर्ता उत्साहित हैं, क्यों ना हो। तीसरी बार देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री प्रधान सेवक बने, जनता भी उत्साहित है, कार्यकर्ता भी उत्साहित है, और यही उत्साह भाजपा को झारखंड में सरकार बनाएगी। मतदाताओं को कैसे आप मोटिवेट करेंगे? मतदाता पूरी तरह तैयार हैं। और ये वादा खिलाफी वाली सरकार जो यहाँ जेएमएम कांग्रेस की है, रूल ऑफ लॉ कॉलेप्स हुआ है। अब तो इंतजार कर रहे हैं कैसे खटाखट के रूप में 1 लाख रुपए जो वायदा किया था, जो गारंटी कार्ड भरवाया था राहुल गांधी के जी ने, वही इंतजार कर रहे हैं। ये चुनाव आयोग का अधिकार का क्षेत्र है, चुनाव आयोग आपके अनुसार नहीं चलेगा, उनको शक्ति प्रदान है और उसी कानून के अंदर संवैधानिक दायरे में चुनाव होंगे। संकल्प लेकर के हम लोग जनता के बीच में हैं, जनता के विषयों को लेकर के उनके बीच में हैं। अभी भी हम लोगों ने लगातार JSSC की जो गड़बड़ियां थी उसको लेकर के हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने और पार्टी के लोगों ने उनका जो विरोध प्रदर्शन किया। कई एक जो दुष्कर्म की घटनाएं हुई उसमें महिला मोर्चा भी आगे बढ़कर चल रही है। हम लोग जनता के
मूल विषयों को लेकर के अब सड़क पर एक यलगार करने वाले हैं, एक ऐसा एक जो आक्रोश है उसको इस तरह से प्रदर्शन करने वाले हैं कि सरकार की जो दिन जो ये उल्टी गिनती चालू हुई है इस बार ऐसे इसको उखाड़ के जनता फेंके कि दोबारा ये सत्ता के इर्द गिर्द भी ना पहुंच पाए। अच्छा, चुनाव आयोग की टीम आई है और चुनाव आयोग का शेड्यूल तारीखों का ऐलान होना है, समय के पहले कांग्रेस का भी है कि समय के बीजेपी चुनाव कराना चाहती है, चुनाव आयोग के दबाव में। देखिए, बहुत बहुत हास्यास्पद है। आप ही लोगों का सवाल था जब मुख्यमंत्री जी जेल से छूट करके आए थे तो उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने कहा कि भाई उन्होंने कहा कि भाई अभी चुनाव हो जाए हम तैयार हैं। भैया, जब अभी चुनाव हो जाए हम तैयार हैं और अब चुनाव जब होने के लिए जब कह रहा है, अच्छा तो ये होता है अगर यदि उनमें इतना ही कुब्बत रहता तो भाई वो कह देते कि भाई हम विधानसभा को भंग करके चुनाव में चलते हैं, इतनी तो ताकत है नहीं। तो कथनी और करनी में जो इनका अंतर हमेशा से रहा है, चाहे रोजगार के मामले में हो, कुछ कहते कुछ है उसके बाद में पलट जाते हैं। तो आज भी जो उनका जो है, उनको मालूम है कि उनके पाँव के तले से ज़मीन खिसक गई है, इसलिए डर गए हैं वो चुनाव में जाने से और इसलिए वो इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। कांग्रेस तो कह रही है कि पीएम समेत पूरी भाजपा कर गई है, इसलिए संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। अरे, संविधान का मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह, मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।